गांव फालेन की महिलाओं ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों पर पुष्टाहार नहीं बांटने का आरोप लगाते हुए आंगनवाड़ी केंद्र पर जमकर हंगामा काटा। शुक्रवार को तहसील छाता के विकास खंड छाता के गांव फालेन के संविलियत विद्यालय में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र पर बाल विकास पुष्टाहार की लाभार्थी दर्जनों महिलाओं ने पुष्टाहार सामग्री न मिलने से परेशान होकर हंगामा किया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं हंगामा करने वाली महिलाओं की आपस में जमकर बहस होने लगी। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। वहीं जब बाल पुष्टाहार लाभार्थी महिलाओं ने केंद्र संचालिका एवं बाल पुष्टाहार योजना के अंतर्गत 11 सदस्य टीम के लोगों से जब राशन न मिलने की शिकायत की तो आंगनवाड़ी केंद्र चलाने वाली संचालिका सरोज देवी अपनी सफाई देते हुए मौके पर मौजूद महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग करती नजर आई। महिलाओं ने कहा, एक महीने छोड़कर एक बार पोषण सामग्री समूह में शामिल महिलाओं एवं केंद्र संचालिका द्वारा दी जाती है। प्रदेश सरकार की माने तो ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को साझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन निम्न मेनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। तो ये कब से दे रहे हैं? पहली बार मिला या पहले भी मिला था? पहले भी ऐसे ही मिला जी। कितने महीने से मिल रहा है? बहुत 8-9 महीने। परेशानी हमारे एक बच्चे का तो कुछ भी नहीं देती है और 3 बच्चे का हमारा 1.5 किलो दार है, आधी किलो रिफाइंड की दे दिया बस। मिलना कितना चाहिए? अब मुझे क्या पता कितना कितना आता है एक बच्चे का, जितना दे देती है इतना ले जाते हैं। नहीं तो जब आप मांगती हैं तो क्या कहती हैं? बोलती हैं कि इतना ही आया, इतना ही ले जाओ, ऊपर से इतना ही आ रहा है।